कहते हैं युद्ध से कभी किसी का भला नहीं होता, और ये बात हकीकत हो रही है रूस यूक्रेन युद्ध में। जहां रूस के बमबारी में यूक्रेन के कई शहर मलबे में तब्दील हो गए, तो दूसरी तरफ रूस सैनिकों की कमी से जूझ रहा है। हालांकि ये बात पुतिन और जेलेंस्की को समझ नहीं आएगी, और जब तक समझ आएगी तब तक काफी देर हो चुका होगा। यूक्रेन की बर्बादी से तो पूरी दुनिया वाकिफ है, लेकिन रूस भी अब बर्बादी के ढेर पर खड़ा है। खबर है कि रूस सैनिकों की कमी से जूझ रहा है। अब रूस जेलों में बंद खूंखार कैदियों को यूक्रेन में लड़ने के लिए भेज रहा है। रूस यूक्रेन जंग में रूस ने अपने हजारों सैनिकों को खो दिया है, जिसके बाद रूस कैदियों को लुभावना ऑफर देकर युद्ध के मैदान में उतार रहा है। जानकारी के मुताबिक कैदियों को ऑफर दिया गया है कि अगर वो युद्ध लड़ते हैं तो उन्हें जेल से रिहा कर दिया जाएगा। यही नहीं, रूस की ओर से 1 लाख से लेकर 2 लाख रूबल तक का ऑफर भी दिया जा रहा है। इन कैदियों को रूस के दक्षिणी इलाके रोस्तोव में 15 दिनों की ट्रेनिंग दी जा रही है। ट्रेनिंग के बाद इन्हें जंग में भेजा जा रहा है। रिपोर्ट में कहा गया है कि रूसी सेना में हथियारों को शामिल किया जा रहा है, लेकिन बलात्कारियों आतंकियों को नहीं लिया जा रहा है। बता दें कि एक रिपोर्ट में दावा किया गया था कि रूस यूक्रेन जंग में रूस ने अपने 75,000 सैनिकों को खो दिया है। हालांकि रूस ने इस रिपोर्ट को सिरे से खारिज कर दिया।